एक बूढ़े दादा थे, वो हाथ में लकड़ी लेकर, आंखों से दिखता नहीं था और कानों से सुनाई भी नहीं देता था, धीरे धीरे जा रहे थे। तो कुछ जवान लड़कों ने पूछा, दादा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दादा रुको। दादा ने सुना नहीं, फिर जोर से बोला, दादा, ओ दादाजी कुटे चाल रहे। उसने फिर कहा, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आपको तो दिखाई नहीं देता, आंखें हैं नहीं और सुनाई भी नहीं देता, तो जाने का क्या फायदा। दादा बोले कि मेरे को तो दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, मैं तो संत को नहीं देख पाऊंगा, पर संत की नजर तो मेरे पर पड़ जाएगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा तो क्या है। तो लड़कों ने कहा कि सत्संग की जगह पर बहुत भीड़ जमा हुई हो और इतनी सारी भीड़ में संत की नजर आप पर न पड़े तो जाने का क्या फायदा। तो दादा ने कहा कि भाई भले संत की नजर मेरे पर न पड़े कोई बात नहीं, पर कम से कम उसकी नजर तो पड़ जाएगी जो भगवान सारी दुनिया को देख रहा है, कि मैं तुम्हारी तरह सिनेमा थिएटर में नहीं जा रहा, शराब पीने नहीं जा रहा हूं, जहां भगवान की कथा होगी और सच्चे संत पधारेंगे वहां जा रहा हूं। वो बूढ़े दादा की कैसी सोच थी, कैसी पवित्र बुद्धि थी। कि मैं नहीं देख पाऊं तो क्या है, उनकी नजर तो मेरे पर पड़ जाएगी कि मैं किस लिए जा रहा हूं। सारी जिंदगी दुनिया में लोग कमाने खाने पीने में लगे रहते हैं, फिर भी जो कमाते हैं उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। आप एक बात बताओ, कोई मर जाता है तो उसको कंधे पर उठाकर क्या बोलते हैं, राम बोलो भाई, राम ही तो बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी उसका जो नाम था वो कोई नहीं बोलते। मैं भी मर जाऊंगा तो लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे सुरेश आनंद सत्य है, नहीं, राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी जो नाम होता है वो कोई नहीं बोलता, हालांकि सारी जिंदगी वो आदमी उसी को सच्चा मान रहा था कि मैं ये हूं, पर आखिरी में जब मर जाता है, आता है एक झटका, तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी तो मैं सत्य हूं, अब जन्म मर गया तो बोले अब राम नाम सत्य है। जन्मा तब अनामी, कोई नाम नहीं था, जन्मता किसी का नाम होता है भाई, बोलो तो किसी का नाम होता है कोई। जन्मा तो अनामी, मरा तो ननामी, गुजराती में अर्थी को ननामी बोलते, तो जन्मा तो अनामी मरा तो ननामी, खाली बीच में अपना नाम सच्चा मान के बस मैं ये मैं ये मैं ये मैं करके कई मर गए। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती, जो कुछ साथ में लेकर जाए सब यहीं छोड़ के जाते हैं, केवल नाम की कमाई, ये सत्संग में जितनी देर बैठते हैं वो कमाई साथ जाती है, बाकी तो। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। भगवान की कैसी कृपा है, हमसे इतनी तपस्या करवा के हमारा पुण्य बढ़ा रहे। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी ना पुण्य ही कमाया, दिया दान न कभी भी ना
पुण्य ही कमाया, ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम ना आया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम ना आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया, यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है से बह रही है दिन रात अश्रुधारा, जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा, जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा, सतगुरु बिन दादा पैदल चलते हुए जा रहे थे, हाथ में लकड़ी थी, कमर से झुके हुए थे, बुढ़ापा था। कॉलेज के कुछ लड़कों ने दादा की कमर झुकी हुई देखकर कहा कि दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा, मजाक उड़ा रहे थे बूढ़े बाबा की, ये धनुष बाण कितने में खरीदा। दादा भी आपके जैसे सत्संगी दादा थे, उन्होंने कहा बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा। भाव क्यों पूछते हो, तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो। ना गोरा तन रहेगा ना रूप ही रहेगा, ना गोरा गोरा रूप भी नहीं रहेगा। एक बूढ़ी दादी माँ थी, वो भी बुढ़ापा था तो कमर से झुक कर जा रही थी, 80 साल की उम्र थी, कमर से झुकी हुई थी। तो कॉलेज की कुछ लड़कियों ने पूछा कि दादी माँ क्या खोजती खोजती जा रही हो, कुछ खो गया क्या जो इतना झुक कर कुछ ढूंढती हुई चल रही हो। दादी माँ ने कहा कि इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी खो न जाए। उसके पहले जवानी में मीरा की तरह भक्ति कर बेटी, अपने यौवन को बिगाड़ मत। न गोरा तन रहेगा न रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। जिस तन को तू सजाता सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा।
साथ देगा, न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ मद की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। निर्मल भजन किया ना यूं ही गई उमरिया, अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया, अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया। पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा, पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन घर में जितनी शांति होती है ना उतना लक्ष्मी आती है, घर में जितना झगड़ा होता है उतना लक्ष्मी जाती है, इसलिए घर में झगड़ा ना हो उसका ख्याल रखें। एक आदमी तो ऐसा सीधा साधा था बेचारा, घर में किसी भी कीमत पे झगड़ा होने ही नहीं देता था, खुद कभी कभी कष्ट सह लेता था, आदमी सज्जन था। एक दिन घर पर आया, खाने बैठा तो सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा थी। अब उसने सोचा बोलूँगा तो फिर अशांति होगी, इसलिए बोला ही नहीं, पर मिर्ची इतनी तेज थी सब्जी में कि बेचारे की आंखों से पानी आ गया, आंसू निकलने लग गए। तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? बोले ये कोई दुख के आंसू थोड़ी हैं, ये खुशी के आंसू हैं। कैसा सज्जन आदमी होगा बेचारा, ये खुशी के आंसू हैं, खुशी के। तो पत्नी ने कहा अच्छा, इसका मतलब आपको खाना बहुत पसंद आया है, सब्जी और लाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले ज़्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊँगा, इतनी बहुत है, ज़्यादा जितनी सह पाऊँ उतनी बस बहुत है। तो कैसा सज्जन आदमी बेचारा, गाय जैसा आदमी था बेचारा। तो घर पे शांति रहे। एक होता है दुख, एक होता है सुख, एक होता है आनंद। दुख में तो लोग दुखी रहते हैं, पर सुख जिसको लोग मानते हैं ना सुख, वो सुख परिस्थिति जन्य होता है। अनुकूल परिस्थिति आई तो मज़ा आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मज़ा गया, है ना? ठंडा मीठा मौसम हो, खाने पीने का बढ़िया मिलता हो, सब सुविधा हो, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम मज़े में हैं। पर ज़रा सी गर्मी आए, पानी ठंडा नहीं मिले, तो बोले अरे बहुत तकलीफ़ है, परेशान हो गए परेशान हो गए। तो ये क्या है, परिस्थिति जन्य सुख और परिस्थिति जन्य दुख में सुखी दुखी होना ये बुद्धिमानी नहीं है। जरा जरा बात में दुखी चिंतित होना ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि परिस्थिति कैसी भी आए पर अपन भीतर से शांत रहें, ये भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा, उसका स्वभाव है ऐसा बोलने का, भले बोले। आप बताओ केरोसिन की दुकान पे आप जाओ घी लेने तो मिलेगा क्या? वहाँ केरोसिन ही मिलेगा।
तो कुछ लोग होते हैं चलती फिरती केरोसिन की दुकान होते हैं खुद, जब देखो तब उनसे बात करो ना, जैसे गटर का ढक्कन खुला ना बदबू आती है, ऐसे वो ऐसी ही बातें करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। भगवान के बारे में कभी कुछ बोलना उनको आता ही नहीं, रात दिन बस यही बातें, यही बातें बस। तो उनको स्वरूपगत आत्मा का, परमात्मा का आनंद नहीं मिल सकता। वो गुरु के पास आकर भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाहर से पास आए, दिल से गुरु के पास नहीं आ पाए। जो दिल से गुरु की शरण जाते हैं वो यह लोक सुखी परलोक सुखी होते हैं। दिल से हो जाए, दिल से पक्का इरादा कर ले, बस अब तो बापू जैसा कहें ऐसा मेरे को करना है बस। देखो भाई, लोगों का कहा करोगे तो दुखों का अंत नहीं है, और सदगुरु का कहा करोगे तो सुखों का, आनंद का अंत नहीं है। मर्जी हमारी है, हम किसका कहा करें। एक आदमी हो गया बीमार, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाना। अब उसने खिचड़ी नाम पहली बार सुना था शायद, तो रटता जाए खिचड़ी 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 खिचड़ी, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, सिर के बल चोट लगी, भूल गया डॉक्टर ने क्या कहा था। तो याद किया तो उसको याद आया अधूरा शब्द, हाँ खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी, बोलता जाए चलता जाए। तो आगे एक किसान पक्षियों को भगा रहा था, फसल पकी थी, तो ये बोले खाचिड़ी खाचिड़ी खा खाचिड़ी। किसान ने दो थप्पड़ मारे, मैं कब से उड़ा रहा हूँ और तू बोलता है खाचिड़ी, खबरदार ऐसा बोला तो तुम तो बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़, बोलता जाए चलता जाए। तो आगे एक शिकारी जाल बिछा के बैठा था पक्षी फंसाने को, ये बोले उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ उड़ चिड़ी। उसने भी दो लगाई, बोले मैं कब से बैठा हूँ तू बोलता है उड़ चिड़ी, तू तो बोल आ जाओ फंसा जाओ आ जाओ फंसा जाओ, बोलता जाए चलता जाए। तो आगे कुछ चोर जा रहे थे, चोर ये बोले आ जाओ फंसा जाओ आ जाओ फंसा जाओ। चोरों ने भी एक एक लगा दी, बोले तू तो बोल लेकर जाओ रख कर आओ, लेकर जाओ रख कर आओ, लेकर जाओ रख कर आओ, बोलता जाए चलता जाए। तो आगे किसी के घर में कोई मर गया था, तो लोग उसको कंधे पे उठा के शमशान जा रहे थे, और ये बोले लेके जाओ रख के आओ, मतलब दूसरा भी लाओ, लेके जाओ रख के आओ, लेके जाओ रख के आओ। उन्होंने कहा हम वैसे ही दुखी और तू ऐसा बोलता है, मारा उन्होंने भी। बोले तुम तो ऐसा बोलो भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, तो बोलता जाए भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, ईश्वर करे ऐसा दिन कभी ना आए, बोलता जाए चलता जाए। तो आगे किसी के घर में बरसों की मनोती के बाद लड़का हुआ था, और ये बोले भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, राम करे ऐसा दिन कभी ना आए। तो उन्होंने भी उसको डांटा और एक दो दिन तो लगा भी दी दो चार। तो बोले मैं क्या बोलूँ, बोले तुम तो बोलो भगवान करे ऐसा दिन सदा आए, ईश्वर करे ऐसा दिन हमेशा आए। बोलता गया आगे चलता गया, तो झोपड़पट्टी थी गरीबों की, वहाँ शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी, सारी झोपड़ियाँ जल गई थी। ये बोले राम करे ऐसा दिन सदा आए, भगवान करे ऐसा दिन हमेशा आए। उन्होंने भी पीटा। तो जो लोगों का कहा करता रहेगा वो कभी सुख नहीं पाएगा, और जो गुरु का, शास्त्र का, भगवान का कहा करेगा वो आत्मगत आनंद पाएगा, यह लोक सुखी परलोक सुखी हो जाएगा। कहा मान ले बस। कर्ण थे ना, कर्ण महाभारत के कर्ण, वो सूर्य के अंश से पैदा हुए थे। अर्जुन इंद्र के अंश से पैदा हुए। भगवान ने कर्ण को बहुत समझाया पर कर्ण ने बात नहीं मानी भगवान की। अर्जुन ने बात मान ली तो अर्जुन की जय जय का राज भी हो रही है। रामा अवतार में सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्मे थे और वाली इंद्र के अंश से जन्मा था। तो भगवान राम ने इंद्र के अंश से पैदा हुए वाली को मार डाला और सूर्य के अंश से पैदा हुए सुग्रीव की रक्षा की थी। आप बताओ की थी कि नहीं की थी? सुग्रीव को राजा बनाया था कि नहीं बनाया था? वाली को मार डाला था, वाली इंद्र के अंश से पैदा हुआ था। पर वही राम जब कृष्ण बनकर आए तो इंद्र के अंश से पैदा हुए अर्जुन की रक्षा की, और सूर्य के अंश से पैदा हुए कर्ण को मरवा डाला। तो ऐसा क्यों हुआ, विपरीत क्यों हुआ? कि कर्ण जन्मा तो था सूर्य के अंश से पर दोस्ती दुर्योधन से की थी, संग गलत किया था।
और रामा अवतार में सुग्रीव जन्मे थे सूर्य के अंश से, पर दोस्ती हनुमान जी से की थी। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से थी और सुग्रीव की दोस्ती हनुमान जी से थी। हनुमान जी से दोस्ती हुई तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो अच्छी बात तो माननी चाहिए, सुग्रीव का भला हुआ, विभीषण का भला हुआ, तो अपना क्यों नहीं होगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है। नासिक में सत्संग था अभी परसों पूरा हुआ, वहाँ एक परिवार के लोग आए, वो माता ने बताया कि 40 साल के बाद उनको बेटा हुआ, बापू के आशीर्वाद से 40 साल शादी के बीत गए उसके बाद बेटा हुआ। डॉक्टर मना करते थे, ज्योतिषी मना करते थे, पर डॉक्टर और ज्योतिषी को पता नहीं है कि रबर स्टैम्प पर अक्षर उल्टे छपे होते हैं। स्टैम्प पैड पर से स्याही लेकर कागज पर ठप्पा लगाओ तो अक्षर सीधे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। ऐसे भाग्य के अंक भले उल्टे हों, पर गुरु के चरणों में अगर सिर रख दिया दिल से तो भाग्य के उल्टे अंक भी सीधे हो जाते हैं, सब सही होने लगता है। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, शिवाजी के गुरुदेव, उनका एक शिष्य था। वो एक दिन भिक्षा के लिए गया तो एक किसी ब्राह्मण ने उसको डरा दिया। कैसे डरा दिया? उस त्रिकालज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि 24 घंटे खाली तुम्हारी उम्र है, अब कल इस समय तक तुम जिंदा नहीं होगी, पक्की बात मैं कह रहा हूँ, लिख लो, लिखना हो तो। अब ये डर गए बेचारे, आके उदास बैठ गए। तो समर्थ रामदास बाबा ने पूछा, क्यों बेटे उदास बैठे हो, क्या बात है? तो उसने सारी बात बताई कि एक पंडित ने मेरे को कहा है कि 24 घंटे तुम्हारी उम्र है, बस मर जाओगे। बोले, बस इतनी सी बात को लेकर चिंतित हो रहा है? मेरा शिष्य होकर तू चिंता कर रहा है? मैं तुझे कहता हूँ जा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। भले उस पंडित ने कुछ भी कहा, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जप कर, फिर देख क्या होता है, बैठ जा, रात को सोना नहीं, जप चालू रखना। वो बैठ गया, उसने खूब जप किया, अगला दिन आया पर मृत्यु तो हुई नहीं। रामदास बाबा ने कहा, जाओ भिक्षा लेने, और वो पंडित मिल जाए तो उसको बोलना तुम तो कहते थे मर जाओगे, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। जाकर पंडित को कहा तो पंडित बोले कि मृत्यु तो पक्की थी, पर तुम्हारे गुरु भी पक्के हैं, उन्होंने तुम्हारा ये मंद और तीव्र प्रारब्ध काट दिया और तुम बच गए। तो समर्थ गुरु के शिष्य को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु गुरु जैसा कहें ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए। कई विद्यार्थी बापूजी की बात मानकर सारस्वती मंत्र जपते हैं न तो पहले नंबर से पास होते हैं। कई विद्यार्थियों ने तो बताया उनका 100% रिजल्ट आता है, 100%। ऐसे कई विद्यार्थी हैं, एक दो नहीं है, कई विद्यार्थी हैं। मैं आपको कितने विद्यार्थियों की बातें बताऊं। जोधपुर में एक लड़की, उसका नाम प्रतिभा, जैसा नाम ऐसे गुण, उसने जप करके ऐसी अपनी प्रतिभा विकसित की के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आ गई। ऐसे और कई विद्यार्थी हैं जो पहले कमजोर थे पढ़ने में, पर सारस्वती मंत्र का जप करने लगे, मौन रखने लगे थोड़ा, तो वे विद्यार्थी अब सदैव फर्स्ट आते हैं। भावनगर में एक लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है पर हर साल फर्स्ट आती है, सारस्वती मंत्र लिया है, रोज जप करती है, एक दिन भी छोड़ती नहीं है। जब करना है तो करना है, कई लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देने से उसका पूरा लाभ हम नहीं उठा पाते, अगर रोज चालू रखे तो पूरा लाभ मिलेगा। नागपुर महाराष्ट्र का एक लड़का अपूर्व नाकाड़े, उसने सारस्वती मंत्र लिया था, अभी 12वीं में पढ़ रहा है वो लड़का। 2004 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, 91% आए। 10वीं में जब था तो उसी वर्ष नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पहला आया, जिसमें भारत सरकार की ओर से उसको खूब छात्रवृत्ति मिली थी। उसी वर्ष ऑल इंडिया मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन चेन्नई द्वारा ली गई गणित की परीक्षा में पूरे भारत में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अखबारों में छपा था उसका नाम, मेरिट सर्टिफिकेट मिला और 5,000 रुपये नगद पुरस्कार के भी मिले उसको, पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
2005 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना परीक्षा में सफलता, पूरे देश में मात्र 45 बच्चे चुने जाते हैं, पहला ये आया, 28,000 रुपये उसको पुरस्कार के रूप में मिले थे। और भी उसने बहुत सफलताएं पाई। अपूर्व नकाड़े महाराष्ट्र के नागपुर में रहता है और जप रोज करता है, छोड़ता नहीं है। जब रोटी नहीं छोड़ते एक दिन भी, एकादशी को भी लोग छुट्टी नहीं करते, सिंगाड़े का आटा ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलता है, आलू उबालेंगे, केले की चिप्स बनाएंगे, क्या क्या आइटमें बनाते हैं वो तो सब बहनें जानती हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़के को सफ़ेद दाग की बीमारी थी, सफ़ेद दाग होते हैं कई लड़कों को, कई बड़े लोगों को भी होते हैं। तो उसने क्या किया, लड़के ने नवरात्रि के 9 दिन उपवास किया, कड़क उपवास, केवल तुलसी के पत्ते, शाम तुलसी के पत्ते लेकर उसका रस निकालता, रस पी जाता, थोड़ा पानी पीता ऊपर, और जो रस निकलने के बाद पत्तों का अवशेष बचा वो जहां जहां सफेद दाग थे वहां रगड़ देता अच्छी तरह। 9 दिन नवरात्रि के पूरे हुए, जप भी करता, 10वें दिन तो उसके शरीर पे कोई सफ़ेद दाग नहीं रहा, 9 दिन में चमत्कार हो गया, उसके शरीर के सफ़ेद दाग मिट गए। उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कोई किसी को तकलीफ हो तो 9 दिन आप उपवास करो, ये अभिप्राय नहीं है, पर आदमी की दृढ़ता होनी चाहिए, बस मेरे को फायदा होगा, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमार हूँ नेगेटिव नहीं सोचें, मैं स्वस्थ है, माला कौनता ही आजार नहीं, ऐसा पॉजिटिव सोचें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जप खूब करें। शेगांव में गजानन बाबा हो गए, नाम सुना आपने, शेगांव वाले गजानन बाबा, कौन नहीं जानता गजानन बाबा को, भारत की महान विभूति शेगांव वाले गजानन बाबा, उनको एक परिवार के लोग खूब मानते थे, मध्य प्रदेश में रहते हैं वो लोग, इंदौर के पास, उन्होंने उनका मंदिर भी बनाया, मंदिर का नाम रखा है श्री राम गजानन समाधि मंदिर, समाधि जैसा उन्होंने बनाया हुआ है पूरा, और ऊपर गजानन बाबा की तस्वीर रखी है, मैं देख के आया हूँ वो मंदिर, मैंने वहाँ प्रवचन भी किया थोड़ी देर। तो उन्होंने बताया कि गजानन बाबा को मानते थे, अब गजानन बाबा तो शरीर छोड़ गए, ब्रह्मलीन हो गए, तो हमको तो उनकी बहुत याद आती थी। मंदिर जो बनाया हुआ था वहाँ बैठे रहते थे, उनका ध्यान करते, सुमरण करते, तो एक रात को गजानन बाबा ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं शरीर से तो नहीं हूँ, पर अभी शरीर से बापू के पास तुम जाओ। तो कौन बापू, तब तो बोले हम जानते ही नहीं थे बापू जी को, तो गजानन बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा और बापू जी के हाथ में दे दिया कि यहाँ तुम जाओ। फिर हमने पता लगाया कि संत कौन है जिनके चरणों में जाने को हमको सपने में गजानन बाबा ने संकेत किया, और गजानन बाबा के साथ बापू भी गण गण गणांत बोते, जो गजानन बाबा बोलते थे वो बापू जी भी बोले। फिर उनके पूरे परिवार ने दीक्षा ली और अभी वो जप तप करते हैं और उसी मंदिर में अब सत्संग भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, बापू की वीडियो कैसेट चलाते हैं। आपको शंका हो तो मैं एड्रेस दूँ, आप पूछो और मंदिर है कि नहीं वहाँ देखो। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत ऊंचा काम है। जिसका भविष्य अंधकारमय होता है ना, उसको तो ऐसी दीक्षा लेने की इच्छा भी नहीं होती, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है, नष्ट। बापूजी सुनाते हैं एक विनोदी वार्ता के, चार सेठ लोग, साहब लोग नदी किनारे गए, नदी में पानी खूब था, तो नाविक को कहा हमको नाव में बिठाकर दूर दूर ले चल। बैठे, नाव चली, तो एक साहब ने पूछा कि तुझे अंग्रेजी बोलना आता है, बोले नहीं भाई मेरे को नहीं आता। तो बोले चारा ना जिंदगी तेरी बेकार। नाव थोड़ी आगे चली, दूसरे साहब ने पूछा कि तुम खबर रखते हो, अखबार पढ़ते हो, दुनिया में क्या चल रहा है? बोले साहब मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। बोले चारा ना दूसरी बेकार। तीसरे ने पूछा क्यों तुम फिल्म देखते हो? बोले साहब हमारे गांव में लाइट ही नहीं है, फिल्म क्या देखूंगा। तो बोले चारा ना पहली, चारा ना दूसरी, चारा ना तीसरी, 12 ना जिंदगी तुम्हारी बेकार गई, जीवन जीने का ढंग तुम नहीं सीखे।
इतने में आंधी चली, तूफान आया, बरसात चली, नाव काबू से बाहर हो गई, तूफान में डोलने लगी नाव, साहब लोगों को पसीना आ गया, घबराए। एक साहब तो रोने भी लग गए, क्या होगा क्या होगा। नाविक ने कहा, साहब आपने तो बहुत प्रश्न पूछे, एक मैं पूछूं? बोले हाँ पूछो। साहब आप लोगों को तैरना आता है? चारों बोले हमको तैरना नहीं आता। नाविक बोला मेरे को और कुछ नहीं आता, खाली तैरना आता है और चाराना जीवन बाकी है। मैं तो तैर कर किनारे पहुंच जाऊंगा, पर तुम्हारे तो सोलाना गए आज। और चारों डूब के मर गए। अंग्रेजी जानते थे, फिल्में देखते थे, सारी दुनिया की खबरें रखते थे, अखबारें पढ़ते थे, परंतु तैरना नहीं जानते थे, तो डूब गए बेचारे। और वो कुछ नहीं जानता था, तैरना जानता था, किनारे लग गया। ऐसे ही दुनिया में आकर व्यक्ति सब कुछ सीख ले, पर गुरु चरणों में बैठकर अगर भव सागर से पार होने की विद्या सत्संग से नहीं पाई, तो वो भव सागर में डूब जाएगा, बार बार जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, मरेगा जन्मेगा, चलता रहेगा उसका चक्र, रुकेगा नहीं। पर जो पहुंच जाते हैं भव सागर से पार होने की विद्या पा लेते हैं, दीक्षा पा लेते हैं, उनका जीवन धन्य है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। पूज्य बापू तो सचमुच बड़ी करुणा करके हमको अपना समय दे रहे हैं, बड़ी करुणा है उनकी। मैं आपको एक बात बताऊं, नदी बहती बहती सागर के पास आ जाती है ना, समुद्र के पास, फिर उसको समुद्र से कोई लौटा नहीं सकता कि तू चली जा यहाँ से, वापस लौट जा। कोई लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में आ गए तो उसको फिर जन्म मरण के सागर में कोई लौटा नहीं सकता, वो मुक्त हो जाता है। आले करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार, आले करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार, उदार हृदय दिलदार करि भक्ताना बहुपार, उदार हृदय दिलदार। विठ्ठल 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 विठ्ठला, 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 विठ्ठल 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 त्रेतायुगी राम बनुनी केला दुष्टांचा संहार, त्रेतायुगी राम बनुनी केला दुष्टांचा संहार, द्वापर युगी कृष्ण बनुनी दिले प्रेमणि ज्ञान अपार, द्वापर युगी कृष्ण बनुनी दिले प्रेमणि ज्ञान अपार, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
शंकर लीला करतात। शंखरो खर मानव आहे अशितर लीला करतात। कणुए ची तर खाणच आहे रोग शोक भय हरतात। कणुए ची तर खाणच आहे रोग शोक भय हरतात। आले कोणी दिन दुखी अरे आले कोणी दिन दुखी अरे त्याला करी निहार। करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार। आले करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार। विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला स्वरूप तिघांचे तुम्ही एकच रूप। ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूप तिघांचे तुम्ही एकच रूप। मनोहर मूर्ति आनंद रूप पाहतो मी तर त्रिभुवन रूप। मनोहर मूर्ति आनंद रूप पाहतो मी तर त्रिभुवन रूप। दर्शन आपले करता मला दर्शन आपले करता मला हो तो आनंद भार। आल करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार। आल करुणाचे अवतार बापू नारायण साकार। विठ्ठल 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 विठ्ठला 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 विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 ऐकन सूर षडरिपू तर होतात दूर। आशा कृष्णांचा करा नाश तुझ्या दर्शनची एक आस। आशा कृष्णांचा करा नाश तुझ्या दर्शनची एक आस। एकच मागणी आहे मला एकच मागणी आहे मला दर्शन वारंवार। Vitala, 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 Vitala
भजनी मन लाऊनी जीवन आपले तू सुधार साधन भजनी मन लाऊनी जीवन आपले तू सुधार सद्गुरु चा शरणी येऊन कर आपले तू उद्धार सद्गुरु चा शरणी येऊन कर आपले तू उद्धार येणार नाही पुन्हा मौका येणार नाही पुन्हा मौका येणार नाही पुन्हा मौका येणार नाही पुन्हा मौका इतके याद रा सद्गुरु देव की जय। एक ऑफिस में एक आदमी की जरूरत थी मैनेजर की पोस्ट पर। अखबार में विज्ञापन आया बंबई में, तो कई लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। एक आदमी पास हुआ, पर आखिरी में उसको कहा कि भाई ये महाराष्ट्र है तो तुमको मराठी बोली आती है? बोले हाँ हाँ मेरे को आती है। अच्छा तो एक काम करो, आपकी नौकरी पक्की, बस खाली मराठी भाषा में बाहर जो प्यून खड़ा है उसको अंदर बुलाओ। कैसे बुलाओगे? तो उसने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात है, खटका किया, ए प्यून इकड़े आओ। उसको वाह, इंटरव्यू लेने वाले को वाह भाई वाह, आपको तो मराठी भी आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी नौकरी पक्की, बस मैं जरा सिग्नेचर करूँ, अब आप इस प्यून को बाहर भेज दो, पर मराठी में ही बोलना, इसको बाहर कैसे भेजोगे? अब उसको हुआ कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है, मन में हुआ खाली इकड़े आ ही आता है, तिकड़े जा नहीं आता है, क्या करूं? तो उसने कहा साहब इसमें क्या बड़ी बात है, वो कुर्सी से खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोल के बाहर खड़ा हुआ और पीयून को बोला पीयून इकड़े आ। बोले साहब इसको बाहर भेज दिया मैंने। अब ये भी कोई बाहर भेजना हुआ, भाषा सीखे तो पूरी सीखे, ऐसे ही जीवन जीने का ढंग सीखे तो पूरा सीखे, सही ढंग से सीखे। लोग बोलते हैं जीवन बेकार है, जीवन बेकार है, जीवन बेकार नहीं, जीवन जीने का ढंग बेकार है इसलिए जीवन सही नहीं बिताया। जीवन जीने का ढंग सही होना चाहिए, जीवन ढंग से जिए, ढोंग से न जिए, ढंग से जिए, उसी का जीवन सफल होता है। बंबई में थाना है, थाना थाना में रहने वाली एक विजयमाला बहन, उसका 11 साल का बेटा, चश्मे का नंबर था उसको, प्लस 6 नंबर का चश्मा, प्लस 6 नंबर कितना भारी होता है, माँ को चिंता रहती थी अभी तो 11 साल का और इतना चश्मा भारी, ये तो ठीक नहीं है। तो वो माँ ऋषि प्रसाद पढ़ती थी मराठी, उसमें एक बार उसने एक मंत्र पढ़ा कि आँखों की बीमारी हो किसी को तो पानी में देखकर ये मंत्र बोले और वो पानी उसकी आँखों पर छांटे जिसको आँखों की तकलीफ है। उसने वैसा किया, पानी में देखती मंत्र जपती, फिर वो पानी अपने बेटे की आँखों पर छांटती, उससे उनके बेटे की आँखों की रोशनी एकदम बढ़िया हो गई 6 महीने में। अभी उसको चश्मा नहीं पहनना पड़ता, नहीं तो प्लस 6 नंबर का चश्मा था, अभी वो बिल्कुल ठीक है, बिना चश्मे के पढ़ता लिखता है। मंत्र जब से कितना लाभ हुआ,
माला से जप करते हैं ना, तो उसका एक साइंटिफिक लाभ भी है। कैसे? कि अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि का एक एक्यूपेशर पॉइंट है, उसको दबाते हैं तो ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होती है, याद शक्ति बढ़ती है। विज्ञानियों ने परदेश में इस पर कई प्रयोग किए और विज्ञानियों ने उसमें अभूतपूर्व सफलता पाई। कई विज्ञानी बड़े बुद्धिमान हुए। बच्चे कई बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, विद्यार्थी सुनना। आइंस्टीन जब पढ़ते थे, बहुत कमजोर थे पढ़ने में बचपन में, गणित के शिक्षक बोलते थे कि तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते, तो आइंस्टीन को यह बात चुभ गई और उन्होंने किसी संत का सत्संग सुना और प्राण शक्ति जीवन शक्ति बढ़ाने के प्रयोग सीख लिए कि जीवन शक्ति कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। कमर से झुककर जो बैठते हैं उनकी जीवन शक्ति घट जाती है, खर्च होती है। नंगे पांव चलते हैं और धूप में सिर खुला रखते हैं, उनकी जीवन शक्ति खर्च होती है। चबा चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, राजधानी एक्सप्रेस चलती है खाते समय, तो उनकी भी जीवन शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी भी जीवन शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। बस जा रही थी, एक आदमी बातें ही किए जा रहा था फालतू, पास में बैठा हुआ आदमी उब गया उसकी बातों से। इतने में वो जो ज़्यादा बोल रहा था ना, वो बोला कि ये बस कैसी है, जब से चल रही है तब से खड़खड़ खड़खड़ कर रही है। तो वो आदमी बोला कि तू भी बस से कम नहीं है, जब से बस चली है तो तू भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, वो खड़खड़ कर रही है, तू बड़बड़ कर रहा है, तू भी चुप होकर बैठना, थोड़ा भगवान का नाम जप। तो आइंस्टीन ने ये सब प्रयोग सीख लिए, क्या करने से जीवन शक्ति बढ़ती है क्या करने से घटती है, तो उसने अपने को संभाला, जीवन शक्ति बढ़ाई, तो महान गणितज्ञ हो गए। गणित के शिक्षक जो बोलते थे 7 जन्म में नहीं सीखोगे, वो गणितज्ञ हो गए, अणु विज्ञान के रचयिता हो गए, कितने बड़े विज्ञानी हो गए। सत्संग से कैसी प्रेरणा मिली। दूसरा एक विज्ञानी था, उसको बचपन में शिक्षक ने निकाल दिया था थप्पड़ मार के, कल से स्कूल नहीं आना। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई तो माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया और ऐसा उस विद्यार्थी को बना दिया। वो विद्यार्थी बड़ा हुआ तो एडिसन नाम से प्रसिद्ध हुआ, एडिसन जिसने बिजली का आविष्कार किया, 1000 आविष्कार किए। अब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमको तो भारत भूमि में जन्म मिला है। विद्यार्थी ध्यान दें, हम अगर सारस्वती मंत्र का महत्व जानकर उसका जप करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। फिर तो जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल आगे ही चलती है, साइकिल में ऐसी सिस्टम नहीं कि पैडल पीछे की ओर लगाएं और साइकिल पीछे चलाएं, साइकिल पीछे चल सकती है कभी, अपन बैठ जाएं और पैडल मारे रिवर्स, वो संभव ही नहीं। जैसे साइकिल पीछे नहीं जाती, चला नहीं सकते पीछे, उसी प्रकार ऐसा साधक ऐसा विद्यार्थी भी उसकी अवनति नहीं होगी, आगे ही बढ़ेगा, वो उन्नत होता जाएगा। करे जरूर, जिसका वियोग हो जाएगा उसके संयोग में सुख न ले। संसार में सबका वियोग हो जाएगा, इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, संसार में सबका वियोग हो जाएगा, माने सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। तो जिसका वियोग होगा उसके संयोग से सुख मिलने की इच्छा न रखें। शरीर का वियोग होगा, किसी का भी हो, तो किसी के शरीर से मुझे सुख मिले ऐसी इच्छा करना ना समझी है। पर मैं भक्ति करूं, जप तप करूं, आत्मा का आनंद पाऊं, ये तो बहुत बढ़िया है और ये सत्संग का दीक्षा का रास्ता है।